हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2A है जिसका क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने करवा दिया है। एक मिनट, इसका क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करवाया है और 14, 15 सेम ही है, बस वैल्यूज़ अलग अलग है, वैसे ही होगा सॉल्व। तो आज हम भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। हिंस फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ जीरोज हमें गिवेन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवेन है और हमें क्या फाइंड करना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या, अल्फ़ा एंड बीटा हमारा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। फिर क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी सम ऑफ द जीरोज। अल्फ़ा एंड बीटा को क्या हमने माना है, जीरोज माना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ हुज जीरोज क्या है, जीरो है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। देन हमें क्या पता है कि जो हमारा एफ एक्स क्या रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा बुक में गिवन है ये फार्मूला, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, जीरो है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जीरो इंटू क्या हो जाएगा एक्स, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस का वन है तो माइनस का वन लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में है तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा माइनस का वन, तो हमारे पास क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -1। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमें जीरोस फाइंड करना है, तो जीरो हम कैसे पॉलिनोमियल का फाइंड करते हैं, हम पहले लिखेंगे इसको फैक्टराइज करते हैं एफ एक्स को, तो हमें एफ एक्स क्या मिल चुका है, एक्स स्क्वायर -1, इसको हम अभी फैक्टराइज करेंगे तो एक्स -1 होगा और एक्स +1 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, एफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को जीरो पुट करना होता है, तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या आ चुका है, एक्स -1 और एक्स +1 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स -1 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स +1 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, -1 है, इधर आएगा तो क्या होगा +1 और यहाँ प्लस का वन है तो इधर आएगा तो क्या होगा -1। तो हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या मिल गया, 1 एंड -1, तो हम लिख देंगे हेंस जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 1 एंड -1 एंड रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू क्या आया हमारा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1, ये जगह हमारा आंसर।